हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ गुजरात की फेमस डिश ढोकला, और ये ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही फेमस है। तो फिर चलो शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले मैंने बाउल लिया है, उसमें चीनी ऐड की है, और चीनी ऐड करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब इस पानी में चीनी को अच्छी तरह से हम घोल लेंगे। मैंने एक बाउल बेसन का लिया है और उसको अच्छी तरह से मैंने छान लिया है, वो ऐड कर देंगे इसमें। इसके बाद दही ऐड करेंगे, इसमें 1 कप मैंने दही लिया है, वो ऐड कर देंगे। अब मैंने लिया है 2 स्पून सूजी, अब सूजी ऐड कर देंगे। अब 1/4 स्पून लिया है मैंने हल्दी, वो ऐड कर देंगे इसमें। अब सभी को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। हमें 5 मिनट तक इस तरह ही चलाना है इसको, अच्छी तरह से हमें इसको मिक्स करना है। ये देखिए 5 से 10 मिनट हो गए हैं मुझे इस तरह चलाते चलाते। अब इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। अभी बैटर हमारा गाढ़ा है, इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे हम। अब क्या करेंगे, हम इसमें घुमाते हुए देखेंगे कि हमारा बैटर ज़्यादा थिक तो नहीं है। अगर ज़्यादा थिक होगा तो हम इसमें और पानी ऐड करेंगे, अगर हमारा बैटर पतला है तो अब इसमें पानी और ऐड नहीं करेंगे, ठीक ऐड करेंगे। इसके बाद मैंने एक केक टिन लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है इस तरह। ये देखिए ऑयल लगाने के बाद एक पतीले में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और उसमें स्टैंड लगा दिया है। अब इसको गर्म होने देंगे और 10 मिनट के बाद हम इस बेसन में इनो ऐड करेंगे और थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करेंगे। इनो और नींबू का रस ऐड करके हम इसको वापस अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जस्ट ही हम इसको केक टिन में ऐड कर देंगे। ये देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको केक टिन में ऐड कर देंगे सभी मिश्रण को। केक टिन में ऐड करने के बाद पतीले में रख देंगे और 20 मिनट तक हमें इसे ढककर स्टीम करना है। जब तक ये स्टीम हो रहा है हम अपने तड़के की तैयारी कर लेते हैं। मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें राई के दाने ऐड किए हैं। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। 1 चम्मच चीनी ऐड करने के बाद हम थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे इसमें। अब 1 गिलास इसमें हम पानी ऐड कर देंगे और इसको बॉईल होने देंगे। ये देखिए हमारा तड़का भी तैयार है। अब हम अपने ढोकले के बैटर को देख लेते हैं। ये देखिए हम ढोकले के बैटर मैंने इसमें प्लेट में ऐड कर दिया है और इसमें तड़का लगा दिया है। अब इससे मैंने कट नहीं किया है, अब इसमें मैंने तड़के का पानी लगाकर छोड़ दूंगी, उसके बाद ही मैंने इसको देखा है कट किया है। ये देखिए कितना स्पंजी हो, कितना फ्लफी ढोकला बनकर रेडी हुआ है। उम्मीद है आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।